उस पट्टिका में जिसमें सोनिया गांधी का नाम, वीरभद्र सिंह जी का नाम, धूमल जी का नाम, केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिखा था, उस पट्टिका को भी आपने उतार कर गुम कर दी। क्या लोग नहीं जानते कि किसने बनाई, किसने पैसा दिया और किसके कार्यकाल में ये काम हुआ? ये अटल टनल का काम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्तासीन होने के बाद ही प्रारंभ हुआ है और कहीं बीच में कोई आकर के जो है वो भूमि पूजन कर ले या कुछ और कर ले तो उससे जो है वो सेम ही मिल जाता है काम का। जिस काम में पैसा केंद्र सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री ने एक्सपीडाइट करवाया है वरना शायद अभी भी ना बनती है। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो उससे पहले यूपीए की सरकार में तो इसमें जो है वो एक पत्थर ही गिलाया गया। हिमाचल में अटल टनल पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में आते ही अटल टनल पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी की पट्टिका लगाई जाएगी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर अटल टनल निर्माण का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह का कहना है कि जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक में मुख्यमंत्री ने अटल टनल के निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। मुख्यमंत्री देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका केवल उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि सभी भाजपाइयों ने अपनी अपनी कहानियां पढ़नी शुरू कर दी हैं। जेपी नड्डा इसको लेकर अलग कहानी सुनाते हैं, वहीं जयराम ठाकुर ने तो इसे केंद्र सरकार की देन बता दिया। वहीं कांग्रेस का कुछ और ही कहना है। सबसे पहले आपको शुरू से तमाम जानकारी देंगे कि किसने इसका सपना देखा, किस सरकार के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, कब इस कार्य को गति मिली और कब ये संपन्न हुआ। अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया। ये अब तक की विश्व की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है और इसके निर्माण करने के लिए हिमालय की पहाड़ियों को काटा गया है। आपको बता दें कि इस हाईवे सुरंग को बनाने की प्रक्रिया 28 जून 2010 को शुरू की गई थी और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी इस हाईवे सुरंग को बनाने के लिए भारत को लगभग 10 साल का समय लग गया। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इस सुरंग का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही रखा गया है। साथ ही यहां पर यह भी बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2019 में इस बात का निर्णय लिया था कि इस सुरंग का नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। इसका निर्माण 2010 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के समय शुरू हुआ था। इसको बनाने में 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अटल टनल को बनाने का फैसला भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में लिया था। उनकी सरकार खत्म हो गई तो उसके बाद उनका ये सपना भी धूमिल हो गया था। इसके बाद 2010 में कांग्रेस सरकार ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया। फिर 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करने के लिए बहुत तेजी के साथ काम करवाया। आज ये टनल बनकर तैयार हो चुकी है। कांग्रेस ने अटल टनल का राग छेड़ अब इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय अध्यक्षा की साख से जोड़ते हुए सत्ता में वापसी के बाद अटल टनल में सोनिया गांधी की पट्टिका स्थापित करने का दम भरा जा रहा है। इस मसले को कांग्रेस अंदरूनी तौर पर भी लगातार उठाती रही है, लेकिन सुनवाई ना होने के बाद अब सत्ता में लौटते ही पहला काम अटल टनल पर सोनिया गांधी की पट्टिका लगाने से शुरू करने की खुली धमकी सरकार को दे दी गई है। अटल टनल का निर्माण और उसके पूरा होने के बीच ये मसला फंस गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जैसे ही जयपुर में अटल टनल को केंद्र सरकार का तोहफा बताया, कांग्रेस के हाथ भी इस मुद्दे के सीधे लग गए। लेकिन यहाँ लड़ाई विकास को लेकर नहीं होने वाली है, बल्कि फसाद
नाम पट्टिका पर शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से गुजरे जमाने की वो फोटो भी जारी की गई है जिसमें सोनिया गांधी की मौजूदगी में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल भी साथ खड़े हैं। कांग्रेस इस तस्वीर के माध्यम से अब वो सच सामने लाने का प्रयास कर रही है जो अटल टनल के उद्घाटन में छिप गया है। कांग्रेस का कहना है कि इस सुरंग का शिलान्यास तत्कालीन यूपीए सरकार की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सुरंग निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा सोनिया गांधी का नाम तक नहीं लिया जाता। अटल टनल से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को हटाकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। ये आरोप कांग्रेस ने भाजपा पर जड़े हैं। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस टनल का उद्घाटन किया तो शिलान्यास पट्टिका को दरकिनार किया गया। शिलान्यास की पट्टिका में सोनिया गांधी का नाम अंकित था। ये पट्टिका तब से गायब है और आज तक किसी को नजर नहीं आई। इस मसले को कांग्रेस ने उद्घाटन के बाद से हर मंच पर उठाया लेकिन कांग्रेस को कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब जब जयपुर में राष्ट्रीय मंच पर अटल टनल की चर्चा हुई और श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में चला गया तो कांग्रेस एक बार फिर गुस्से से भर गई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अब सत्ता में वापसी के बाद ही सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका अटल टनल के बाहर लगाई जाएगी। फिलहाल प्रदेश में पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक अहम कड़ी अब दो राजनीतिक दलों के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। देखना यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद अटल टनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पट्टिका टिकी रहती है या कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी की पट्टिका स्थापित कर दी जाती है।